हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत अच्छे होंगे। और वो कनेक्ट में जब हम अगली बार से जब कनेक्ट होंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी वेबिनार होगा हमारा, कल परसों जब भी होगा, वो हमें पता चल जाएगा। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एज ए गेस्ट के रूप में जितने भी लोग यहां पर ज्वाइन होंगे उन सभी लोगों को कुछ ऑप्शंस वो अपने आप ही टेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, जो कोई होस्ट भी नहीं है और कोई को होस्ट भी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जो एक मीटिंग को सिर्फ अटेंड करने के लिए जब यहाँ पे आता है, तो वो व्यक्ति भी अपने कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कुछ ऑप्शंस को भी चेक कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम ना तो होस्ट में हैं और ना ही को होस्ट में हैं। तो हम क्या हैं? हम एज ए गेस्ट हैं, हम एज ए कस्टमर हैं, या हम एज ए पार्टिसिपेंट हैं, ऐसे आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं जो आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ आज नया सीख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा प्ले एंड पॉज, यानी कि प्ले करना और उसको एक उसको पॉज कर देना। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन होता है तो उसमें हमारी वो वीडियो, जो वीडियो चल रही होती है, तो आप उसको प्ले कर देते हैं और कुछ समय के लिए कोई काम आ जाता है तो उसको पॉज करके चले जाते हैं। बिल्कुल सेम सिस्टम आपका हमारे वो कनेक्ट के इस सिस्टम के अंदर भी है। आप यहाँ पर अपने वेबिनार को पॉज कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको देखना, समझना, जानना जरूरी है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो लैपटॉप का हमारा जो टच पैड होता है उस पर आप जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो आपकी वो वीडियो, आपका जो पूरा का पूरा जो मीटिंग शेड्यूल है, पूरा का पूरा वेबिनार है, वो पॉज हो जाएगा। और जैसे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये। यहाँ पे खास बात ये है हमारे प्ले एंड पॉज सिस्टम के अंदर कि जहां से भी आपने अपने वेबिनार को पॉज किया है, उसके बाद अगर आप एक मिनट के बाद भी इसको स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसा कि हमारे एस मुफारे सर ने पहले कई बार उस मीटिंग के अंदर बताया था, ये सबसे अच्छी खास बात है। इस तरीके से लगता है कि ये लाइव है ही नहीं, ये रिकॉर्डेड है। जैसे कि हम कोई वीडियो देख रहे हो और अभी हमने पॉज कर दिया, अगर आप उसको 10 मिनट के बाद चलाएंगे तो वो वीडियो वहीं से ही शुरू होती है। तो ये लाइव वेबिनार की ये सबसे खास बात है प्ले एंड पॉज की। दूसरा पॉइंट है स्क्रीन कैप्चर। नीचे की साइड में दो ऑप्शन बने हुए हैं, उसमें पहला जो ऑप्शन है वो स्क्रीन कैप्चर का है। अगर आपको आगे आने वाले टाइम में कभी भी स्क्रीन को कैप्चर करना पड़े, उसका स्क्रीन शॉट लेना पड़े, तो आप उस पर क्लिक करके स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रेज योर हैंड। यहाँ पे जो रेज योर हैंड है, यानी कि जो हाथ बना हुआ है, ये रेज योर हैंड है। जैसा कि हम अपने जूम मीटिंग के जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें हमें कुछ बोलना होता है तो हम अपना हाथ जो है ऊपर खड़ा कर देते हैं कि हाँ मुझे कुछ कहना है। तो यहाँ पर भी हमारा जो हैंड है वो यहाँ पर बना हुआ है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन क्लिक करने में कुछ नहीं आता है, अगर आपको क्लिक करने का मौका है उसमें तो आप एक बार क्लिक करके देख लीजिए, लेकिन प्ले एंड पॉज का तो सिस्टम चालू है। इसके बाद नंबर फोर, कितने टाइम तक वेबिनार चला या कितने समय से चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम लेट आ पाते हैं वेबिनार के अंदर, तो उसमें से कुछ समय निकल जाता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का या 15 मिनट का। तो एक्चुअल में कितने समय का वेबिनार निकल चुका है हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने समय में हम, जितने समय से वो चल रहा होगा, तो लेफ्ट साइड में ऊपर कोने में एक घड़ी चल रही होती है, एक टाइम चल रहा होता है कि इतने समय से हमारा वेबिनार चल रहा है। तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा कितना वेबिनार निकल चुका है, आधे घंटे का, 15 मिनट का या 10 मिनट का या 5 मिनट का। तो वहां पे ये बहुत अच्छी टाइमिंग यहाँ पे शेड्यूल की गई है। नंबर फाइव, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी तो आपको देख करके ही यहाँ पर पता चल जाएगी, इसकी जो कुछ HD क्वालिटी है, 4K HD क्वालिटी है, क्योंकि HD क्वालिटी से भी ऊपर की क्वालिटी होती है, चार गुना बेहतर क्वालिटी होती है, इसलिए उसको 4K क्वालिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत बहुत ज्यादा फैंटास्टिक और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी दी गई है। ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे कोई भी साउंड या कोई भी किचर पिचर की आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही और सीधी आवाज हम सब लोगों को सुनाई दे रही है। और यहाँ पे अगर कोई एक साथ दो तीन लोग अगर बोलते भी हैं तो यहाँ पे कोई भी आवाज ऐसी नहीं होती है कि वो बोलेंगे तो उनकी आवाज को इको हो जाती है या वो बोलेंगे तो उनकी आवाज इको हो जाती है।
बिल्कुल ऐसा कहीं पर भी कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार दो दो तीन तीन लोगों ने एक साथ अपनी अपनी बातचीत को रखा है। नंबर नेक्स्ट, अनम्यूट ऑप्शन। म्यूट और अनम्यूट का जो ऑप्शन है, अब हमें अपना वेबिनार के अंदर कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो वीडियो ऑप्शन होगा, जहां पे हमारी इमेज चल रही होगी, जहां पे हम बोल रहे होंगे, जहां हमारा पूरा का पूरा जो पिक्चर चल रहा होगा, उसी के नीचे हमारा एक बटन बना हुआ होगा, तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट भी आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो टेस्टिंग में चल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर हम सब लोगों को अब आने वाले वक्त में दिखाई देने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप अपने ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो तब यूज कर पाएंगे जब आप खुद वेबिनार करेंगे, को होस्ट या होस्ट के रूप में जब आप खुद वेबिनार करेंगे अपने ओ कनेक्ट के ऊपर। तो ये कुछ फीचर्स थे जो एज ए गेस्ट के रूप में आप यहाँ पर यूज कर, मतलब इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि और आपको कैसा कैसा यहाँ पे लग रहा है। ये आप अपने आप खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर के खुद ही आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ वास्तव में ये फीचर्स बहुत ही लाजवाब है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए और ओकनेट की जो भी मीटिंग होने वाली है, हर एक मीटिंग को आपको अटेंड करना ही करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट, अंदर है तो 100% सिकंदर है।